लोगों में जरा भी स्वाभिमान बचा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मतलब मुझे सपोर्ट करो कि ताकि इससे आगे भी मैं कुछ बोल सकूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय संविधान, जय लोकशाही। भाइयों, लोकशाही का राजा यहाँ का मतदार होता है। गौर से बात सुन लो, लोकशाही का राजा यहाँ का मतदार होता है और इस मतदार राजा को हराने के लिए चाणक्य ने चाल चली है। उस टाइम पे एक शूद्र चंद्रगुप्त मौर्य को आगे करके उस राजा को हराया था। आज भी एक शूद्र नरेंद्र मोदी को आगे करके, इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बदले इन्होंने नरेंद्र मोदी को आगे किया है और ये सत्ता हत्याने के चक्कर में है। और आज का जो मतदार राजा है उसको हराने का ये लोग भरकस प्रयास कर रहे हैं और ये मतदार राजा है ये सो रहा है। जिस दिन इस देश के ऊपर इन मनवादियों का, ब्राह्मणवादियों का राज आएगा ना, सबसे पहले आप लोगों की ये जो लोकशाही है स्वतंत्र खत्म हो जाएगा। ध्यान में रखना है बात, अभी भी वक्त है, जाग जाओ। ये एक एक करके इस देश के ऊपर ये लोकशाही खत्म करके ब्राह्मणवादी राज्य लाना चाहते हैं। और ब्राह्मणवादी राज्य का मतलब आप जानते हो, इस देश में सिर्फ 3% लोगों का राज होगा, बाकी सब लोगों को गुलामी करनी पड़ेगी, गुलामी। जाग जाओ, ये लोग तुमको धर्म का ये जो है ना, धर्म का हमारे मराठी में बोलते गाजर, ये तुमको दे देंगे तुम्हारे हाथ में और तुम्हारी लोकशाही छीन लेंगे और इस देश के ऊपर हुकुमशाही लाएंगे और उसके बाद में आप सब लोग गुलाम रहोगे, आपके बच्चे गुलाम होंगे। जाग जाओ, लोकशाही बचेगी तो आप शान से जी पाओगे, वरना जो राजा कहेगा वही करना पड़ेगा, जो राजा का आदेश आएगा वही जीना पड़ेगा। और इससे सबसे बड़ा सबूत आप लॉकडाउन में जा देख चुके हो, रास्ते के ऊपर फिरना, फिर अगर फिर रास्ते के ऊपर भी आपका फिरना दोबारा हुआ था, वो तो एक नैसर्गिक आपत्ति थी, इसलिए आप लोगों ने सहन कर लिया। मगर इसके बाद में ये जो राजा की आपत्ति है ये कृत्रिम आपत्ति रहेगी, ध्यान में रखना, बहुत बुरा वक्त आने वाला है। लोकशाही ख़त्म हो जाएगी तो आप सबकी गुलामी की शुरुआत हो जाएगी, इसलिए ध्यान में रखो, लोकशाही जिंदा रखो। जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय शिवराय।